नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से ही विवाद रहा है। अगर आप भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए कि ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। आपको बता दें कि दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। बता दें कि भूत प्रेतों के बारे में हर धर्म और साहित्य में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिलती है। बहुत से लोग इन असाधारण बातों पर विश्वास करते हैं और मौत के बाद भी जिंदगी को मानते हैं। कई लोग मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अपने अनुभवों को साझा करते हैं और कई लोग मृत लोगों की आत्माओं से बात करते हैं। भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। इन चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपको यह बता देते हैं कि आपका घर और आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। दोस्तों, हम सभी उन विषयों पर ही विश्वास करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। आधुनिक विज्ञान ऐसी चीजें जैसे भूत प्रेत और आत्माओं को मानने में विश्वास नहीं रखता। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऐसे कई अद्भुत विषयों का वर्णन है। भूत प्रेतों के बारे में स्वयं गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इस अध्याय में राजा बभ्रुवाहन और एक प्रेत की कथा का वर्णन है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इस कथा के माध्यम से इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि आखिर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत क्यों बनता है, भूत प्रेत क्या खाते हैं, कहां रहते हैं और भूत प्रेतों को इस योनि से मुक्ति कैसे मिलती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। आप देख रहे हैं रोज का ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिस तरह से हमारी यह दुनिया है, ठीक उसी तरह भूत प्रेतों की भी अपनी दुनिया होती है। उस दुनिया में केवल भूत प्रेत ही रहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो लोग भूतों को देख लेते हैं या महसूस कर लेते हैं, उन्हें इनके होने पर यकीन हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है या जिन लोगों का अंतिम संस्कार विधि संवत नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्यों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि अतिरिक्त इच्छाएं लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। दोस्तों, भूतों को खाने की इच्छा बहुत अधिक होती है और उन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती। भूत प्रेत क्या खाते हैं, इसे जानने से पहले आइए जानते हैं कि वह कहां रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं और कई प्रेत हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। ये कभी अपवित्र घर में तो कभी जंगलों में भटकते रहते हैं। ज्यादा शोर, उजाले और मंत्रोच्चारण से यह दूर भागते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और 13, 14 तथा अमावस्या को ये अधिक सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत उन स्थानों पर आते जाते रहते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में कोई संबंध रहा होता है। इसीलिए बहुत दिनों से खाली पड़े घर में या बंगले में भूतों का वास हो जाता है। दोस्तों, भूत प्रेत आखिर खाते क्या हैं? यह सवाल काफी रोचक है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत का अस्तित्व ही विवादास्पद है। अगर हम माने कि भूत प्रेत सच में होते हैं,
तो उनके खाने से संबंधित कुछ मान्यताएं हैं जो समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत मिष्ठान बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मिष्ठान में प्राण होता है जो उनके लिए प्रलोभन होता है। कुछ मानते हैं कि भूत प्रेत मांस, मदिरा, रक्त, कीड़े, मल, मूत्र, पसीना, लार, रोना, हंसना, सपना, प्रेम, काम, सुंदरता पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता और वे केवल मानसिक संतुष्टि के लिए खाने की चाहत रखते हैं, लेकिन यह मानसिक संतुष्टि उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर गरुड़ पुराण की बात करें तो इसका सटीक उत्तर हमें प्रेत कल्प अध्याय में मिलता है, जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को भूत प्रेत क्या क्या खाते हैं इसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, अब गरुड़ पुराण में लिखित त्रेता युग की उस कथा को जानते हैं जिसमें एक प्रेत ने एक राजा को प्रेत योनि से जुड़े आश्चर्यजनक तथ्य बताए हैं, जिसे जानने के बाद आपको भी अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, किन कर्मों के कारण मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है, प्रेत योनि में उसे क्या क्या कष्ट मिलते हैं और प्रेत योनि में वह क्या खाता पीता है, कृपया कर विस्तार से बताएं। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षीराज, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें त्रेता युग के महाबलशाली और धर्मपरायण राजा बभ्रुवाहन के विषय में बताता हूं। राजा बभ्रुवाहन धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला प्रजापालक राजा था। एक बार वह शिकार पर गया और शिकार करते करते घनघोर वन में वह रास्ता भटक गया। बहुत भटकने के बाद जंगल के बीच में उसे एक तालाब दिखाई दिया। राजा थकान और भूख प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने जलाशय में पानी पीकर स्नान किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक भयानक प्रेत उसके सामने आया और बड़ी विनम्रता से कहा कि हे धार्मिक व्यक्ति, आप कौन हैं? आपके संपर्क में आने से मेरा प्रेत भाव छूट गया है। तब राजा ने उस प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के कारण तुम्हें यह प्रेतत्व प्राप्त हुआ है और यहां इतने डरावने घनघोर वन में क्यों हो तथा किस विधि से तुम्हें इस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी? तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण या दशगात्र विधान जैसे कर्मकांड नहीं होता तथा जो लोग अकाल मृत्यु, अपमृत्यु और पाप कर्मों से मर जाते हैं, वे सब प्रेत रूप में यहां निवास करते हैं और अतिरिक्त अवस्था में हमेशा भटकते रहते हैं। हे राजन, हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु को ग्रहण करके तृप्त नहीं हो पाते। इस वन में कई सुंदर फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख प्यास से पीड़ित हूं क्योंकि मुझे जल और फल किसी की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में बताता हूं। मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदैव था। मैं खूब दान करता था, देवताओं और पितरों को नियम से पूजन, तर्पण आदि किया करता था जिससे वे संतुष्ट रहते थे, किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र, कोई बंधु बांधव नहीं था, इसलिए किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। इस कारण मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हो गई और मैं अनंत काल से इसी योनि में भटक रहा हूं। मुझे भूख और प्यास तो लगती है लेकिन मैं तृप्त नहीं हो पाता। हमेशा भूख शांत करने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूं। अब मैं आपको एक मणि दे रहा हूं, उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को आमंत्रित करके विधि विधान से मेरे निमित्त औधर्भ दैहिक क्रिया का अनुष्ठान करके मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। इतने में राजा को ढूंढते हुए सेना भी आ गई और राजा ने वापस आकर प्रेत के बताए अनुसार प्रेत के नाम से अंतिम संस्कार व अन्य क्रिया संपन्न की। सारे संस्कार पूरे होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बभ्रुवाहन की दयाशीलता की, बहुत प्रशंसा की और उसके बाद वह
अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। दोस्तों, इस कथा से एक यह बात भी पता चलती है कि मृत व्यक्ति के निमित्त उसके परिवार वाले ही नहीं बल्कि कोई भी अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न करा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधों को साझा अवश्य करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय नारायण।